देखो भाई, जब रुपए आपके घर में आते हैं तब सोचते हो ये कहाँ से आए, न्याय से आए अन्याय से आए, बिहारी जी ने दिए तुमने कमाए। रुपए जब आते हैं तब तो सोचते ही नहीं हो कि कहाँ से आए, और नारायण जिसने भेजा था उसने ले लिया तो उससे लड़ाई करने को तैयार, या उसको भी लड़ाकू बनाने के लिए तैयार। अब तुम्हारे 60 रुपए के लिए बिहारी जी बांसुरी को अलग रखे और शंख चक्र गदाधारी होकर के उस आदमी को मारने के लिए आवे हैं? नारायण, एक बार भाई जी से कुमार प्रसाद जी से रतनगढ़ में किसी ने कहा कि भाई जी हमारा एक पार्सल आया है पोस्ट ऑफिस में, सो नारायण उस पर जो 2.5 रुपए लगने चाहिए थे भेजने के सो तो लगाए हुए हैं, और यहाँ का पोस्ट मास्टर कहता है कि 12 रुपया दो कर देंगे, सो आप हमारा छुड़वा दीजिए। अब भाई जी तो महाराज छड़ी उठाए के और चले गए पोस्ट ऑफिस। पोस्ट मास्टर ने बताया कि हम बिल्कुल ठीक इनसे लेना चाहते हैं, तो भाई जी ने कहा अच्छा ये नहीं देते हैं तो मैं अपने पास से दे देता हूँ, क्योंकि वो तो कानून की कायदे की बात थी। अब महाराज भाई जी के जो भगत थे वो नाराज हुए ले जाने वाले पर कि 12 रुपया के लिए तुमने भाई जी को इतनी तकलीफ दी, पोस्ट ऑफिस में ले गए। आपने सुना है अर्जुन को मारने के लिए भी एक वृद्धा तपस्विनी तलवार रखती थी, द्रौपदी को मारने के लिए तलवार रखती थी, क्यों? श्री कृष्ण को सारथी बनाकर युद्ध में सामने रख दिया, किसी का बाण लगता ही था नारायण। द्रौपदी नंगी हो जाती तो क्या होता, क्यों बुलाया नारायण द्वारका से श्री कृष्ण को? हंस लोगों का भगवान के प्रति जो भाव होता है उसकी ओर जरा ध्यान दीजिए। 60 रुपए तो आजकल कितने के हुए हो? 42.5 रुपए का नोट दीजिए तो चांदी का 1 रुपया मिलता है, कोई 1.5 रुपए के बराबर आजकल 60 रुपए के नोटों की कीमत है नारायण, और महंगी नहीं है, और नोटों की कीमत घट गई है। आप बहुत चिंता मत कीजिए, जैसे भगवान ने दिया था वैसे दे दिया, जिनका था उन्होंने ले लिया, अब उसको आप लड़ाकू मत बनाइए। परम पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में नतमस्तक बंदन। पूछने वाले हैं पंडित राजेश्वर। कृपा निधे प्रस्तुत है जिज्ञासा इस अबोध बालक की। भगवान श्री कृष्ण के मथुरा जाने पर श्री राधा रानी तो श्री दामा जी के शापवश नहीं मिल सकती थी, किंतु अन्य ब्रजवासियों के मिलने में क्या अवरोध था, जबकि मथुरा के समीप होने पर भी ब्रजवासियों को वियोगजन्य दुख क्यों सहना पड़ा, कृपया समाधान दें। अच्छा भाई, ऐसा है कि दो प्रकार के संत, एक वे जो अपने हृदय में भगवान के संयोग का अनुभव करते हैं और मस्त रहते हैं, और एक प्रकार के संत वे होते हैं जो भगवान के वियोग का अनुभव करते हैं और उससे मस्त रहते हैं। न तो भगवान का कहीं संयोग होता है और न तो वियोग होता है, भगवान में न संयोग है न वियोग है। तो ये भक्तों के दो भाव होते हैं, एक संयोग का भाव है वो भक्त के हृदय में रहता है, और एक वियोग का भाव है वो भी भगवान के हृदय में रहता है। अब इस समय तो भगवान का अवतार नहीं है, न जाने वैकुंठ में, न जाने विलोक में, साकेत में, निराकार रूप में कैसे रहते हैं। आजकल के जीव संयोग का अनुभव प्रत्यक्ष रूप से तो भगवान का नहीं कर सकते, लेकिन भाव में तो वे भगवान के वियोग का संयोग का भाव कर सकते हैं।
तो ये जो भगवान की ब्रज लीला है, मथुरा लीला है, द्वारका लीला है, ये इसलिए कि जैसे भगवान के संयोग में जो भक्त रहते हैं वो परमानंद में रहते हैं। भक्त गोपी नाम परमानंदा आसीत गोविंद दर्शन है, गोपियों को परमानंद हो रहा है, श्री कृष्ण का दर्शन कर रही है, और जब दर्शन नहीं कर रही है तो जासांच युग शतमिव जैसा जैन क्षण भवत, नारायण एक क्षण का वियोग उन्हें सौ युग के समान मालूम पड़ता था। तो आज करके जो जीव हैं उनको संयोग का सुख अनुभव करने की योग्यता कम है, और यदि वे भगवान के वियोग का अनुभव करें उनके लिए आंखों में आंसू आवे, शरीर में रोमांच हो, कंठ गदगद हो, हृदय पिघल जाए, तो नारायण सब पाप ताप मिट जाए और भगवान के संयोग का अनुभव हो। तो नारायण ब्रज में रह करके गोपियों ने उन वियोगी भक्तों के लिए एक आदर्श उपस्थित किया कि जब भगवान मिलेंगे और हंसेंगे और बोलेंगे और नाचेंगे तभी भगवत सुख मिलता है, ये बात नहीं है। भगवान का वियोग भी एक रस है और संसारी जीवों को अधिकांश वियोग ही रहता है, तो भगवान के वियोग में कैसे रहना चाहिए ये शिक्षा देने के लिए गोपियों के वियोग भाव का वर्णन है। ये वियोग नहीं है, वियोग का भाव है। जा दोहने वहनने मथनोप लेप प्रेम को मार्जनादो गायन चैन मनुरक्त सुकंठ्या धन्या ब्रजस्त्रिय गुरु क्रम चित्त जाना नारायण और मथुरा जाए गोपियाँ नारायण। तो एक तो भगवान को धर्म स्थापन करना था, एक राजनीति में नारायण परिष्कार करना था, धर्म राज्य की स्थापना करनी थी। यदि गोपियाँ पहुँच जाए मथुरा और रोज रास विलास होने लगे तो भगवान के संकल्प में बाधा पड़ जाएगी। इसलिए प्रेमी तो वो होता है जो अपने प्रियतम के संकल्प में बाधा पड़ने की संभावना हो तो वो काम न करे। नारायण स्तोत्रम यत्र तटस्थताम प्रकटयत् चित्तस्य हत्ते व्यथाम निंदा विप्रमदं प्रयच्छति परिहास श्रियं विव्रति दोषेण क्षयितां गुणेन गुरुतां कामप्यना तन्वपि प्रेमण स्वारसिकस्य कस्यचिदियां विक्रीडति प्रक्रिया। नारायण कवि नाम है कृष्ण, चान्न सौख्यं जलति पर्वत गोष्ठमाप्ते मुकुंदे, वे आ जाए बड़ा आनंद है, हमसे मिले बहुत आनंद है, लेकिन यदि हमारे पास आने से उनको रत्ती भर की भी हानि होती हो तो हम घुल घुल करके जीवन पर मरती रहेंगे, परंतु कृष्ण यहाँ हमें ऐसा नहीं चाहेंगे। श्री कृष्ण ने नंद बाबा से कहा था, ये नहीं कि बाबा हम यहाँ रहेंगे तुम आ जाना, ऐसे कहा था मैं आऊंगा। आयास से गोपियों से भी कहा, आयास से गर्भराय सुरदाम, यदि कृष्ण को बुलाना होता नंद बाबा को गोपियों को ब्रजवासियों को तो कहते ना कि तुम लोग आ जाना, उन्होंने कहा मैं आऊंगा, और नंद बाबा ने उसका ठीक ठीक समझा, गोपियों ने उसका ठीक ठीक समझा। मधुर लीला होते हैं ब्रज में और मथुरा में, मान लो एक बात ही देख लो, कंस के मारने के बाद जरा संघ ने चढ़ाई थी, अब गोपियाँ यदि ब्रज भूमि से जाकर मथुरा में होती तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते, और जब द्वारका में भेजना पड़ा मथुरा वासियों को तो गोपियों की ब्रज भूमि छूट जाती, उनको तो ब्रज राज छोड़ करके समुद्र के खारे खारे समुद्र के बीच में कुशद्वीप में जाकर रहना पड़ता। इसलिए ब्रज की महिमा इसी में है
यहाँ तो श्री कृष्ण भगवान नित्य सन्निहित है। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, श्याम ही श्याम, यहाँ तो निरंतर श्याम का दर्शन हो रहा है। गोपियों को जब उद्धव जी ने कहा कि गोपियों तुम कहो तो हम श्री कृष्ण को यहाँ ले करके आवे, उन्होंने कहा श्री कृष्ण हमको कृष्ण का वियोग कहा है। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही कहूँ श्याम काबू कुंज में फिरत हुई है, कुछ भर भेंट देखो ये अवत है। ब्रजवासियों के कृष्ण मथुरा गए ही नहीं, वो तो उनके हृदय में रहे, उनकी आंखों में रहे और यही नारायण विहार करते रहे। और मथुरा जाने की आवश्यकता क्या? अगला प्रश्न है, वृंदावन के प्रमुख मंदिर बांके बिहारी राधा वल्लभ में प्रिया जी के विग्रह नहीं है, क्यों? प्रिया जी ऐसी नहीं है, उनको नारायण बाहर रख करके और सबको दिखाया जाए, वो बड़े सुख भाग है, उनको किसी की नजर न लग जाए नारायण, इसलिए गद्दी के रूप में गद्दी के रूप में श्री बांके बिहारी में भी और श्री राधा वल्लभ में भी श्री राधा रानी विराजमान हैं और उनकी सेवा होती है। पहले श्री कृष्ण का दर्शन करो, जब श्री कृष्ण कृपा करेंगे तब राधा रानी के दर्शन होंगे। नारायण राधा रानी के दर्शन ऐसे नहीं हुआ करते। एक सत्संगी बहन का प्रश्न है, पूछती है महाराज श्री योग्य शिष्य के क्या गुण? देखो कोई टोना टोटका करने से न गुरु मिलता है न शिष्य मिलता है। टोना टोटका करके किसी योग्यता से गुरु को खरीदा नहीं जा सकता। जब शिष्य गुरु के सम्मुख आता है, नारायण एक बार देखो गुरु से तुम्हारा मतभेद है कि नहीं, गुरु के मत से तुम्हारा मत मिला कि नहीं मिला। जब मति एक हो जाएगी तब गुरु शिष्य एक हो जाएगी। और जब शिष्य के मन में कोई अभिमान हुआ, नारायण अरे हम बाबू क्या सुनाए आपको, एक शक्तिपात की प्रक्रिया है शास्त्रों में। वो शक्तिपात कब होता है कि जब मूलाधार से लेकर के सहस्रार पर्यंत जो नाडियां हैं, हृदा पिंगला सुषुम्ना और सुषुम्ना के भीतर चित्रणी संतनी आदि सूक्ष्म नाडियां, वे जब मूलाधार से लेकर सहस्रार पर्यंत सीधी हो जाती हैं, उनमें पाप और पुण्य का झुकाव नहीं रहता है। तो किसी के पाप अधिक होते हैं और किसी के पुण्य अधिक होते हैं। तो जिनके पाप अधिक होते हैं उनकी सुषुम्ना पाप के पूज से दबी होती है, और जिनके पुण्य अधिक होते हैं उनकी सुषुम्ना पुण्य के बोझ से अधिक दबी होती है, टीढ़ी रहती है। तो गुरु लोग क्या करते हैं कि पाप और पुण्य दोनों को सम पक्षा में लाते हैं, और जिसके पाप अधिक है उनसे खूब पुण्य करवाते हैं, जिनके पाप का क्षय हो जाए और पुण्य जो है बराबरी में आ जाए, और जिनके पुण्य अधिक होते हैं नारायण ऐसा काम करा देते हैं जैसे अजामिल से, जैसे अजामिल से भगवान ने करा दिया। जब पाप पुण्य दोनों बराबर होते हैं तो गुरु अपने संकल्प से, अपनी दृष्टि से, अपने स्पर्श से शिष्य के अंदर शक्तिपात कर देता है, और एक क्षण में मति की जो उपाधि है उसका भेद भंग हो जाता है और गुरु की आत्मा और शिष्य की आत्मा एक हो जाती है। तो नारायण आप देखो, आप तो बड़े मर्मज्ञ हो, सज्ञ हो, किसी विषय में आप समझते होंगे जरूर, ये बात गुरु जी नहीं समझते, मैं समझता हूँ। गुरु जी ब्रह्म भले समझते होंगे पर राजनीति नहीं समझते हैं। गुरु जी घर के व्यवहार को क्या समझे, किसी न किसी विषय में आप गुरु जी को अज्ञानी जरूर मानते हो, है ना? और जब गुरु जी को आप अज्ञानी मानते हैं तो शिष्य की योग्यता जो है वो तो वही समाप्त हो गई। नारायण
गुरु तो साक्षात परमेश्वर है। आचार्य माम बिजानी आप नाव बंधित कर देते, गुरु के रूप में साक्षात भगवान है। आचार्य चैत्य बपुषा स्वगतित बनकते, अंतर्जामी के रूप में और बाहर गुरु के रूप में और भीतर अंतर्जामी के रूप में भगवान अपने स्वरूप का बोध कराते हैं। यस्य साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदय गुरु मर्त्याशक्ति श्रुतम तस्य मन्ने कुंजर सर्व। साक्षात भगवान तुम्हारा उद्धार करने के लिए तुम्हारे लिए अवतार लेकर के आए हैं, ज्ञान की मसाल तुम्हारे सामने जला रहे हैं। उनको यदि तुम मनुष्य समझते हो मरने वाला, तो तुम्हारी ये दुर्बुद्धि असत बुद्धि नारायण मर्त्या श्रुतम तस्य मन्ने कुंजर सौचव, तो सारी शिष्यता गज स्नान के समान हो जाती है। जैसे हाथी नहाए और ऊपर भूल फेंक ले नारायण, तो कहीं न कहीं आपकी मन में अपनी बुद्धि की जो योग्यता है, जो अभिमान है नारायण, वो आपको गुरु से दूर रखता है और शिष्यत्व की जो योग्यता है उससे वंचित रखता है। ये आपका मान ये अभिमान ही गुरु से अलग रखने वाला है नारायण। कोई भी आपके अंदर दोष हो, ये सब सर्वम गुरु भक्त्या पुरुषो यंजसा गए, किसी दोष की निवृत्ति के लिए कुछ, किसी दोष की निवृत्ति के लिए कुछ, परंतु सर्व दोष की निवृत्ति के लिए गुरु के प्रति भक्ति। ओम शांति। परम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में नतमस्तक वंदन। स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज पूछते हैं, प्रायः विद्वानों का कथन है कि मन लगाकर एक समय में एक ही कार्य ठीक से किया जा सकता है, और भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हैं मां मनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, कृपया इसकी वैधता को सुस्पष्ट कीजिए। भगवान ही ऐसे हैं जिनका सब काम करते हुए और सब वस्तुओं को देखते हुए स्मरण रखा जा सकता है, क्योंकि भगवान अपना आत्मा है, वो कभी छोड़ कर हमसे दूर नहीं होता। वो जो है कि एक समय एक ही कार्य किया जा सकता है, वो भगवान के सिवाय और दूसरे विषयों के लिए है। स्त्री आकार व्यक्ति होगी तो धनाकार नहीं होगी, धनाकार होगी तो स्त्री आकार नहीं होगी, परंतु भगवत आकार व्यक्ति ऐसी है जो सभी कार्यों में रह सकती है, क्योंकि सब कार्य भगवान की सेवा में, भगवान के द्वारा प्रेरित है, भगवान सब में विद्यमान है, इसलिए भगवान पर दृष्टि रख करके सभी काम किए जा सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। इसलिए संसारी कामों में तो जिस कर्तव्य का आप पालन करें पूरी तरह से मन लगाकर करें, पर भगवान में मन लगाए रखें और बाकी जो काम है वो कर्तव्य भाव से होते रहें, इसमें कोई बाधा नहीं है। आप ऐसे देखो, जैसे कोई स्त्री है अपने पति के लिए रोटी बनाती है, उसके लिए घर को साफ करती है, उसके लिए पलंग बिछाती है, उसके लिए पंखा करती है, तो क्या रोटी बनाते समय पति का स्मरण नहीं हो सकता? जिसके लिए वो कार्य किया जा रहा है, जिस पति की प्रसन्नता के लिए, उसका स्मरण तो वो काम करते हुए यही जा सकता है। इसलिए जहाँ उद्देश्य जहाँ भगवान होते हैं, वहाँ चाहे कोई भी काम करें उसमें भगवान का स्मरण रह सकता है। माँ मनुस्मर युद्ध, मुझे स्मरण करो और युद्ध भी करो। जिस युद्ध का हम युद्ध कर रहे हैं और कह रहे हैं ये ही देवेश जगन्निवास प्रसज्य माम पात लोकनाथ
हे स्वामी सदा हमको गिरा दो युद्ध भूमि में, युद्ध भी कर रहे हैं और भगवान का शरण भी कर रहे हैं, कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं। पुरई के स्वामी श्री भूलानंद सरस्वती पूछते हैं, श्री महर्षि रमण वाणी से आत्म साक्षात्कार को हृदय में अहम अहम की स्फुरणा को बताया है, उस अहम को कैसे वृत्तिकार करें, कृपा कर प्रकाश डाले। ऐसा है जी, जो वो तो कहते हैं अहम अहम की साक्षात ब्रह्म रूपेण आते, सबके हृदयाकाश में अहम 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 के रूप में परमात्मा का प्रकाश हो रहा है। ठीक है भाई, हृदय पात्र है और उसमें अहम अहम सुदक रहा है, ऐसा ध्यान करने से समाधि लग जाएगी, मनोवृत्ति का लोप हो जाएगा, उतनी देर तक केवल दृष्टा साक्षी के रूप में रह सकेंगे आप, लेकिन इस साक्षी का स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म है, ये बोध तो केवल अहम अहम के चिंतन से नहीं होता है, वो तो वेदांत की बात तो बिल्कुल निराली है। हाँ, ये तो एक प्रकार की अहंग्रह उपासना ही है, बोध नहीं है। मैं तो श्री रमण महर्षि के आश्रम में गया हूँ, रहा हूँ, उनके सत्संग किया है नारायण, परंतु शंकराचार्य की वेदांत विद्या एक विलक्षण वस्तु है और नारायण अपने अपने अनुभव को लेकर जो लोग वेदांत का निरूपण करते हैं वो बिल्कुल अलग है। यहाँ प्रमाण प्रमेय का विचार नहीं है, वाद नहीं है नारायण, वहाँ केवल भावना मात्र से मुस्कुराने लगे चेहरा बंद करके कहा ब्रह्म है, चेहरे की मुस्कान का नाम ब्रह्म नहीं है, ये तो एक शरीर का ही विकार है। इसलिए अहम अहम एक द्वार है, एक साधना है, वस्तुतः सिद्धांत जो है वो तो ब्रह्म और आत्मा की एकता का जो अज्ञान है उस अज्ञान को मिटाने के लिए जो महावाक्य जन्य और अद्वैताकार वृत्ति होगी, ब्रह्माकार वृत्ति होगी, वही एक सफल होती है। अपने अपने मन के तो लोगों ने बहुत से निश्चय कर रखे हैं और वो ठीक है। अगला प्रश्न है, भगवान सुमित्रा ने कहा है तुम्हारे काज राम बन जाही, जिज्ञासा है वह कौन सा काज था। अच्छा जी, भगवान राम की सीता जी की जो सेवा है, साक्षात सेवा जो लक्ष्मण जी को प्राप्त हुई, इसका जो उनको सौभाग्य मिला, इससे बढ़िया कार्य और क्या हो सकता है। अच्छा, लक्ष्मण जी को मेघनाद का वध करना है, यदि वे रामचंद्र के साथ वन में न जाते तो 12 बरस जो निद्रा विजयी हो करके मेघनाद को मारना था, वो यश लक्ष्मण को कैसे प्राप्त होता। लक्ष्मण जी मेघनाद को कैसे मारते, जब वो पूजन निद्रा का त्याग करके 12 बरस ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, भगवान के ध्यान में मग्न रहते हैं, उर्मिला की याद भी नहीं आती है, सुमित्रा की भी याद नहीं, उर्मिला की क्या, लक्ष्मण जी को कहीं भी वन गमन में अपनी माता सुमित्रा का भी स्मरण नहीं हुआ है। क्षण क्षण सीताराम के चरणारविंद को देखते हैं नारायण, माता का भी स्मरण नहीं, पत्नी का भी स्मरण नहीं, भक्ति का ये आदर्श लक्ष्मण जी के जीवन में कैसे प्रकट होता यदि रहते राम जी के साथ और सुमित्रा और उर्मिला की याद करते रहते, तो उनके प्रेम में सेवा में बहुत बड़ा विघ्न था। नारायण 12 वर्ष तक निद्रा पर विजय प्राप्त करके भगवान रामचंद्र की सेवा में रहना, लक्ष्मण का तो कार्य यही है, वही भगवान राम की सज्ञा है, वही भगवान राम के छत्र हैं, वही भगवान की ध्वजा के दंड हैं, वही भाई हैं, वही सेवक हैं,
ऐसे अपने सर्वस्व के द्वारा जो लक्ष्मण जी ने भगवान की सेवा प्राप्त की, ऐसा तो और किसी को भी प्राप्त नहीं हुई। सेवक लखन सी रघुवीर जिमि अभिवेकी पुरुष शरीर। जैसे अज्ञानी पुरुष अपने शरीर की सेवा करते हैं, वैसे लक्ष्मण जी भगवान की सेवा करते थे। सबसे बड़ा कार्य, सबसे बड़ा कर्तव्य, सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा योग, सबसे बड़ा फल, सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि जीवन में भगवान के चरणारविंद की सेवा प्राप्त हो। अहा धन्य लक्ष्मण बड़भागी राम पदारविंद अनुरागी। लक्ष्मण को बड़भागी बनाने के लिए भगवान रामचंद्र स्वर्ण है। इनका अगला प्रश्न है, सुलोचना लक्ष्मण की लड़की थी क्या, और यदि नहीं थी तो सुलोचना सती में क्यों दिखाया है? मेघनाद ने कहा है तेरे पिता ने ही तो मुझे मारा है, कृपया समझाने की कृपा। भाई मेरे, रामचरित मानस में सुलोचना के सती होने की कथा नहीं है। राधेश्याम में है, और ज्वाला प्रसाद जी ने जो क्षेपक बना बना के जोड़े हैं ना रामायण में, उनमें है। मैंने भी बड़े प्रेम से कभी पढ़ा था उसको, परंतु वो लक्ष्मण जी की लड़की है और नारायण, ये होगा किसी पुराण में, उससे कोई मतलब नहीं। पर रामचरित मानस में न तो सुलोचना के सती होने की कथा है और न तो लक्ष्मण जी के लड़के होने की कथा है। आप पहले उस पुराण को ढूंढ निकालें जहाँ से ज्वाला प्रसाद जी ने और राधेश्याम जी ने ये कथा ली है। नहीं है रामचरित मानस, नहीं वाल्मीकि रामायण नारायण, इसलिए हाँ नहीं। अच्छा तो अच्छा छोड़ो उस बात को, वाल्मीकि रामायण में भी कई क्षेपक हैं। हाँ, उनको हम लोग जानते हैं, वो जो कुत्ते वाली कथा है ना भगवान राम के दरबार में आने की, वो बिल्कुल क्षेपक है, वो वाल्मीकि रामायण में है ही नहीं। अभी तो वाल्मीकि रामायण इतने टीका टिप्पणी सहित तरफ तरफ के छपे हुए हैं कि देख के आश्चर्य होता है कि कितना पाठ भेद हो गया है। तो नारायण कथा की ओर नहीं, कथा के तात्पर्य की ओर ध्यान देना चाहिए। स्वामी श्री नारायण आनंद जी, भगवान रास पंचाध्यायी में जगह जगह हाथी और हथिनियों शब्द का प्रयोग अधिक मिलता है। भगवान हाथी तो अत्यंत कामी पशु है, फिर भगवान और महाभाग गोपियों के लिए क्यों कर प्रयोग आया है, इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें। अच्छा पकड़ा आप नारायण, एक विद्वान ने बहुत बड़ी एक डिक्शनरी लिखी, बहुत बड़ी डिक्शनरी थी, उसमें हजारों लाखों शब्दों का अर्थ दिया। तो वो महिला ने, एक कोई महिला उसको पढ़ने लगी तो वो छांटती गई कि इसमें कितनी गालियां हैं, और 144 गाली उसमें मिली। तो उन्होंने विद्वान के पास भेजा कि आपका ग्रंथ बहुत अश्लील है, उसमें 140 गालियों का वर्णन है। लेखक ने अपना सिर पीट लिया, अरे आपकी रुचि को धन्य है, हाँ उसमें तो बड़े बड़े नारायण सत्पुरुषों के गुणों का भी वर्णन है, उस पर भी तो ध्यान जाता। तो नारायण असल में ये वन में रहता है हाथी, और वो स्वच्छंद विहार करता है। आपको नारायण ये जान के आश्चर्य होगा कि पशुओं में एक हाथी ही ऐसा है जिसका मनुष्य स्त्री पुरुष के समान सहवास होता है, और कोई प्राणी ऐसे, गाय बैल ऐसे नहीं है, घोड़ा घोड़ी ऐसे नहीं है, बकरा बकरी ऐसे नहीं है, नारायण चिड़िया भी ऐसी नहीं है, केवल हाथी ही एक ऐसा पशु है जिनके स्त्री पुरुष का विहार मनुष्य तरीका होता है। तो जो लोग ऋषि लोग जो जंगल में रहते थे, महात्मा लोग, नारायण
उनको और किसी के बिहार का पता ही नहीं था, कोई समानता ही नहीं थी। ये महाराज गणेश जी का जो रिद्धि सिद्धि के साथ बिहार है वही उनके ध्यान में था नारायण। और वो स्वच्छंद स्वतंत्र दीर्घकालीन नारायण बिहार का निरूपण करने के लिए दृष्टांत तो लौकिक ही होते हैं ना, ऐसे ही दृष्टांत दिए गए। काशी मरण मुक्ति सातपुरी मोक्षदायिनी, मुक्ति और मोक्ष में क्या फर्क है कृपया समझाने का कष्ट करें, आपका पुराना सत्संगी। बहुत अच्छा है पुराने सत्संगी जी। ये प्रतीर्थ राज और सात पुरियां हैं उनकी पत्नी, तीर्थराज प्रयाग और अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका, ये सात पुरी उनकी पत्नी हैं। उनमें सबको एक एक अधिकार दिए हुए हैं और जो सालोक्य सामीप्य सारूप्य आदि मुक्तियां हैं वो तो दूसरी पुरियां देती हैं, तो उन मुक्तियों के लिए मुक्ति शब्द का प्रयोग आता है। वैसे मोक्ष और मुक्ति के पर्याय में कोई भेद नहीं है। कैवल्य मुक्ति केवल काशी मरणान मुक्ति है, कैवल्य का दान केवल काशी ही करती है क्योंकि वहाँ शंकर जी ज्ञान देते हैं, उसके बाद कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मुक्ति जन्म महिजान ज्ञान खान यहाँ कर जहाँ बस सब भगवान सो काशी जे कसना, शोक के लिए तलवार है वो शोक असि शोकाशी से ही एक सना है। किसी के हृदय में शोक हो काशी चले जाओ, शोक को तलवार जैसे काट देती है, वैसे ये शोकाशी से ही एक सना, वो कुछ काशी की सेवा करो। वो स्वामी जी महाराज को क्या काशी और शंकर का वर्णन करते हैं, जाके विधि सुगति न लिखी भाल गति काशी पति कृपाल, उपकारी को पर हर समान सुर असुर जरहि कृत गरल पान, त्रय नयन मैन मर्दन महेश अहंकार निहार उदित दिनेश नारायण। ये भगवान शंकर का वर्णन काशी जो है सो काशी के ही कैवल्य मुक्ति की दात्री तो पटरानी काशी है और बाकी सब जो है छोटी रानियां हैं, तो सालों की सामी प्यादि मुक्ति प्रदान करते हैं और बाकी जो है जो कैवल्य मोक्ष है वो केवल काशी में शंकर जी के ज्ञानोपदेश से प्राप्त होता है। पूछने वाले हैं भक्त कमल सिंह, प्रभु आप यह बताने की कृपा करें कि संसार सत है या असत है, सत कैसे है असत कैसे है, कृपा कह साच को कह सत्य झूठ कह को जुगल प्रबल कर माने, तुलसीदास परिहर तीन ब्रह्म तो आपन सो आपन पहचाने। सत्य कहने वाले बहुत हैं क्योंकि अपनी इंद्रियों से संसार का ग्रहण होता है, जब अपनी इंद्रियों से संसार दिखाई पड़ता है तो इसको झूठ कैसे कहें। और जो सच्चिदानंद घन अद्वैत तत्व है उसमें संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय बनती नहीं, तो वे महात्मा लोग इसको सत्य कैसे कहें। जो इंद्रियों से देख रहे हैं संसार को वे झूठ नहीं कह सकते, और जो अपने स्वरूप को देख रहे हैं वे संसार को सत्य नहीं कह सकते, और जो महाराज विवेचन दोनों का करते हैं वो सत्यासत्य दोनों ही कह देते हैं, और भाई एक की दृष्टि से सत्य है एक की दृष्टि से असत्य है। लेकिन यदि अपने स्वरूप का बोध हो जाए तो सत्य असत सदसत ये जितने भी पक्ष हैं ये सब के सब टूट जाते हैं और एक भी टिकाऊ नहीं है, ये संसार सत नहीं है क्योंकि तत्व की दृष्टि से है नहीं। सत हरि भजन जगत सब सपना, झूठो साच जा बिनु जाने जिन भुजंग बिनु कोई चाले। तो नारायण महात्माओं की दृष्टि में प्रपंच सत्य नहीं है, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे भक्त हो। सतहरि भजन जगत तक सपना ये तो भक्तों की ही दृष्टि है ना। और नारायण जो विषयी लोग हैं संसारी हैं उनकी दृष्टि में प्रपंच मिथ्या नहीं है सत्य है,
और कोई संगति बैठाने वाले लोग हैं और वो सत्यासत्य दोनों कहते हैं, पर एक ही वस्तु दोनों हो नहीं सकती। तीनों बाधित है हो, तीनों ही विचार मिथ्या है, सत्य है सो भी और नितांत असत्य है ब्रह्मा विद्यापुत्र के ब्रह्मा, तो सो भी और नारायण सत्यासत्य है दोनों सो भी, ये अपने स्वरूप का बोध होने पर ये तीनों भेद मिट जाते हैं। तुलसीदास यह चिंत विलास जग भूषत भूषत परम पूज्य महाश्री के श्री चरणों में नतमस्तक वंदना। भगवान निवेदन है कि भगवान कृष्ण कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है, किंतु अकर्तुम समर्थ कहने में प्रभु की क्या महिमा है कृपया स्पष्ट करें। पंडित राज राजेश्वर भगवान श्री कृष्ण सृष्टि नहीं होती है तो सृष्टि बना देते हैं। भगवान के मन में आई कि सृष्टि बनावे, एक ते सृष्टि रचय नहीं कब हूँ या ते करो बताई, यही मन में ठहराई। अब उन्होंने सृष्टि बनाई, कैसे बन गए आप देखो, सब के सब ग्वाल बाल सो रहे थे सवेरे और उठ के सिंगा बजाया, उस सब की नींद टूटी और उनके पुराने कर्म जग गए और अपने अपने घर से छींके लेकर निकल पड़े, आगे आगे बछड़े और पीछे पीछे कृष्ण। और वहाँ जब ब्रह्मा जी ने बछड़ों को और ग्वालों को चुरा लिया तब क्या किया कृष्ण ने, जावत बत्सप बत्सकाल्पक बपुर यावत करांग्रियाधिकम जावत यष्ठ विषाण वेणु दलसिक यावत विभूषाम्बरा, सब कुछ कृष्ण बन गए, जितने बछड़े जितने ग्वाले, ग्वाला भी कोई लंबा था कोई छह उंगली वाला था कोई लंबा था कोई काला था, ऐसे क्यों, इसलिए कि कोई भगवान को हंसाता था, कोई देख के भगवान हंसते थे, वो सब भगवान के सेवक ही थे, लंगड़ा के चलता तो भगवान मुस्करा से उसकी ओर देखते। कोई महाराज इतना बड़ा पीक वाला था कि मधुमंगल ने खील जो उठा के अपने मुंह में डाली बाल्टी लगाई तो वो उसके पेट पर देखने लगे, तो देखो पेटू ये कहता है मुंह से पियेंगे तो पेट में पहुंचने में देर लग जाएगी इसलिए सीधे ही पेट में पी लो। ये सब भगवान की, वहाँ कपड़े भी कृष्ण हैं, ग्वाले भी कृष्ण हैं, बछड़े भी कृष्ण हैं, नारायण स्वयं आत्मानं बहुरूपेण कर्तुं समर्थः बहुस्याम प्रजायेय छीका छड़ी, और सबसे सब श्री कृष्ण, सब अपनी माँ को पहचाने, बाप को पहचाने, सबको अपना नाम मालूम, सबको अपने गुण और विशेष मालूम, कर्तुं समर्थ है। और ब्रह्मा जी आए थे चोरी करने तो चाहते तो मना कर देते, परंतु अकर्तुं समर्थ था, ब्रह्मा जी तो मना नहीं किया, बोले करने दो, मना करने की कोई जरूरत नहीं है, उठा के ले गए कर ले जाओ। और व्योमासुर आ करके और श्री कृष्ण भगवान के साथ खेलने लगा राजा चोर की लीला, और चाहते तो व्योमासुर को पकड़ लेते मार डालते, वृषभासुर है धर्म में असुर का प्रवेश, जो धर्म भगवान के प्रेम में बाधा डाले वो वृषभ नहीं होता है असुर हो जाता है, असुराक्रांत धर्म को ही वृषभासुर बोलते हैं और असुराक्रांत वेद को केसी बोलते हैं, वो वेद जो भगवान की भक्ति में बाधा डाले
वो असुर हो जाता है, असुरा बेश का भगवान नाश करते हैं। जो समाधि भगवान की प्राप्ति में बाधक हो वो है व्योमासुर, ले जाके गुफा में डालता है। भगवान ने कहा निकालो इसमें असुर को, इसमें को मार दिया। जब असुर मर गया तो धर्म भी कृष्ण का भक्त, केसी भी कृष्ण का भक्त और व्योमासुर भी कृष्ण का भक्त। ये भगवान की लीला में बाधा डालने वाले जो हैं ये असुर, उस बाधा को मिटाने में समर्थ श्री कृष्ण। हमारी हृदयेश्वरी हो, प्राणेश्वरी हो, आओ आओ, तुम्हारे बिना हमारा रास नहीं आता है, रास नहीं होता है। सबको घर द्वार छोड़ा के बुला लिया अपने पास, धर्म छोड़ के, अर्थ छोड़ के, काम छोड़ के, मोक्ष के लिए जो अंतकरण शुद्धि का विचार था उसको भी छोड़कर, स्वजन माने लोक छोड़कर और आर्य पथ माने परलोक छोड़कर गोपियां श्री कृष्ण के पास आ गई। कर्तव्य समर्था बुला लिया और बुला के महाराज क्या बोले कि चली जा लौट जा, ये हो गया कर्तव्य समर्था। भला अपनी बुलाई हुई गोपियों को इस प्रकार निष्ठुर मुख से कह देना कि तुम लौट जाओ, जाके अपने स्वजनों की सेवा करो, बुलाया था रास करने के लिए और कह दिया तुम लोगों ने बहुत गलत काम किया, पति स्त्री में नहा दबियो लोके सुखी रखा की लौट जाओ गोपियो, अपनी बात को ना कर दिया। अच्छा ठीक है, इसी पर रख जाते कहने इस पर नहीं रहते। जब गोपियों ने पूर्व मीमांसा का पक्ष लेकर श्री कृष्ण ने उन्हें धर्मानुष्ठान के लिए प्रेरित किया जैसा कि पंडित लोग करते हैं, वहाँ कृष्ण ने बड़ी पंडिताई छांटी हो, बड़ी पंडिताई छांटी कि अपने धर्म का ही पालन करना चाहिए और जा करके अपने धर्म का पालन करो, गृहस्थ आश्रम संभालो, पति पुत्र की सेवा करो, करुणा उत्पन्न करने की कोशिश की। तुम्हारे बच्चे जो हैं वो रो रहे हैं, तुम्हारे पति तुमको ढूंढ रहे हैं, माता पिता परेशान हो रहे हैं, सास ससुर व्याकुल हो रहे हैं, लौट जाओ जल्दी। अब महाराज वही जब गोपियों ने उपनिषद हो करके फटकारा कृष्ण को, हम कोई मामूली मामूली हैं, हम तो धर्म सन्यासिनी, काम सन्यासिनी, धर्म सन्यासिनी, मोक्ष सन्यासिनी, सब कुछ छोड़ करके तदर्थ विनिवर्तित सर्व कामाह तुम्हारे लिए आई हैं, तुम हमको लौटाने वाले कौ, अपने वचन को ही अन्यथा कर दिया। पहले कहा था आओ, फिर कह दिया मत आओ लौट जाओ, अन्यथा कर दिया। और फिर नारायण अपने ही वचन को, भगवत वचन को कभी बाधित नहीं होता है, पर भगवान ने अपने वचन को ही बाधित कर दिया और जो कहा था कि लौट जाओ इसको अकर्तुम समर्था, अपने ही वचन का पालन नहीं किया। ये सामर्थ्य है ईश्वर का, नारायण ईश्वर जो चाहे सो करे, जो बिगड़ी है उसको बना दे, जो बनी है उसको बिगाड़ दे। गई बहोरी गरीब निवाजो सरल सबल, याद के चौपाई तो आप लोगों को याद ही है, गई बहोरी, जो चीज चली गई है उसको फिर लौटा के ला सकते हैं। और ऐसे है गरीब निवाज भगवान, अपनी बात तोड़ देते हैं, अपने भक्तों की बात रखते हैं। ये है भगवान का स्वरूप और ये करतो अकर्तो अन्यथा करतो समर्थ है, इस पर शंका करने का कोई कारण नहीं है। ऐसे भगवान की भक्ति न करके जो लोग संसारी जीव की भक्ति करते हैं वो अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। एक विरक्त महात्मा का प्रश्न है, पूज्य महाराज श्री, आज से
सभी मंदिरों में झूला प्रारंभ हो रहा है। हाँ। कृपया झूले के संबंध में आप कुछ बताइए। जब मैं काशी में पढ़ता था तो एक बार शास्त्रार्थ था टाउन हॉल में, तो बाबू भाई शंकर ऐसा कुछ नाम का ध्रुव वे थे वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के, यावत जीवन अध्ययन व्याकरणम ये विषय था शास्त्रार्थ का। मैं भी शास्त्रार्थ में सम्मिलित हुआ, ये वचन मिलता है व्याकरण व्याकरण। वहाँ जो आनंद शंकर बाबू भाई ध्रुव थे उन्होंने बताया बृजनाथ सुदाम सारी गए और ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर मैं सारी रात आपको झुला। तो ब्रजेंद्र रात क्या है, बोले ये प्रकृति रात्रि है तमोमयी अंधकारमयी और इसमें ये जो जीव है ये तारे के समान है और श्री कृष्ण जो है वो चंद्रमा है। ये सारी प्रकृति तमोमयी अंधकारमयी रात्रि के समान है और ये जो जीव दिखते हैं इसमें तारे हैं और भगवान श्री कृष्ण चंद्रमा है। और खुदाना क्या है, ये योगी लोग कहते हैं ना जरा स्थिर बैठ के ध्यान किया करो, अरे उनकी बात पर आप बिल्कुल ध्यान मत करो, आप जरा झूमो। हम बाजने गए तो श्री कृष्ण का झूला बाएं गया और मैं बाएं गया तो श्री कृष्ण का झूला दाहिने गया। हमारे हृदय का एक झूला पड़ा है, उस झूले पर भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए श्री राधा रानी के साथ झूल रहे हैं और हम आगे को झुकते हैं तो वे पीछे को जाते हैं, हम पीछे को झुकते हैं तो वे आगे को जाते हैं। नारायण ये झूला पड़ा है, जो स्थिर समाधि जहाँ चित्त की हो जाती है वहाँ तो आत्मा दृष्टा हो जाता है और जहाँ हृदय में भगवान को बैठा के हम झुलाते रहते हैं अपने हृदय को, हिलने दो ना हृदय को, कोई परवाह नहीं है कि समाधि लगी कि नहीं लगी। क्या हिलते हुए हृदय में परमात्मा नहीं है, एकाग्र हृदय में ही परमात्मा होता है। योगियों ने कोई ठेका ले रखा है भगवान का, वो तो चंचल मनोवृत्ति के झूले पर बैठ करके वृत्तियों के साथ नाचता है, वृत्तियों के साथ झूला झूलता है, वृत्तियों को भोग देता है, वृत्तियों से भोग लेता है। ये चंचलता एकाग्रता का जो भेद है ये योगी के बच्चों के लिए होता है, बोला भक्त के लिए चंचलता और एकाग्रता का भेद नहीं होता है। भगवान के साथ नाचो गाओ बजाओ। और जो लोग कहते हैं कि चंचलता में परमात्मा नहीं होता है उनको भेज दो नर्मदा किनारे जाके योग साधना करें। तो महाराज यहाँ तो विरक्ति का स्वरूप ही यही है कि संसार में सब पदार्थों से आसक्ति छूट जाए। जैसे एक प्रेयसी की अपने प्रियतम में आसक्ति होती है, जैसे प्रियतम की अपनी प्रेयसी में आसक्ति होती है, आओ हम भी ब्रजनाथ झुलाओ सारी रैन। घर घर में झूला पड़े, जन जन में झूला पड़े, मन मन में झूला पड़े। इसमें मन की जो चंचलता है उसको भगवान को के साथ जोड़ने की एक कला है झूले में। नारायण आप देखते हैं बिहारी जी का झूला देखा ही होगा, हरियाली तीज को पड़ता है, आप क्या देखते हैं, झूला झूलता है कि भगवान झूलते हैं। नारायण झूला आगे की ओर आता है तो मालूम होता है भगवान पीछे को जा रहे हैं और जब झूला भगवान की ओर चलता है तो मालूम पड़ता है भगवान हमारी ओर आ रहे हैं। झूलता है झूला और उसका आरोप होता है भगवान में। इसी प्रकार आप अपने वृत्तियों को झूला बना दीजिए, दोनों ओर भगवान को आते भी देखे, भगवान को जाते भी देखे। और तदे जति तन्नई जति तद दूरे तदवंती के तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य आस्य वाह्यतः
भगवान झूलते तदे जति माने झूलते जाति उपाधि से झूलते हैं तदे जति कंपने और निरुपाधिक रूप से नई जाति नई नहीं झूलते हैं तत्काल दूरे उपाधि के कारण झूले की उपाधि से वे दूर मालूम पड़ते हैं पदवंती के झूले की उपाधि से पास मालूम पड़ते हैं परमात्मा में नारायण न हिलना है न डोलना है न दूरी है न पास है सबके बाहर सबके भीतर परमेश्वर विराजमान है आपका ये जो हृदय रूप डोला है आंदोलित होता है तब भी इसमें भगवान और स्थिर होता है तब भी इसमें भगवान ब्रजनाथ चुनाव सारी है। स्वामी श्री गुलानंद सरस्वती महाराज श्री आपकी अपरोक्ष अनुभूति में प्रसंग है अन मिला साजन अन जाना रास्ता सजग रहे कृपया आत्म साक्षात्कार होने पर व्यवहार जगत में कैसी रहनी होती है कृपा कर साधन बताने की कृपा कर। अपरोक्षानुभूति भगवान शंकराचार्य का ग्रंथ है वो मेरा नहीं है। हाँ शंकराचार्य की आत्मा और मेरी आत्मा एक है इस दृष्टि से आप उसको मेरी भी कहते हैं। उसमें जो लिखा है लिखा है सजग है देखो आत्म साक्षात्कार होने के बाद कर्ता बाधित हो जाता है भोक्ता बाधित हो जाता है संसारी बाधित हो जाता है परिच्छिन्नता बाधित हो जाती है। इसलिए आत्म साक्षात्कार होने के बाद कैसी रहनी होनी चाहिए ये प्रश्न तत्वज्ञानी की दृष्टि से नहीं उठता है। हर रही बात व्यवहार की वो तो सर्वथा वर्तमानों की सजोगी मई बरकत है सर्वथा वर्तमानों की न सब भूलों की जाए थे वो दत्तात्रेय की तरह स्वच्छंद रहे वशिष्ठ की तरह पुरोहित रहे ये जो धर्माचार लोग होते हैं वे वशिष्ठ की तरह पौरोहित का जीवन व्यतीत करते हैं वो और दत्तात्रेय स्वच्छंद जीवन व्यतीत करते हैं सुखदेव आदि हैं वो समाधिस्थ रहते हैं जनक आदि जो है वो राज्य करते हैं और कृष्ण भोगियों के साथ राज करते हैं कृष्णो भोगी सुख त्यागी नृपौ जनक राघव गर्भनिष्ठा वशिष्ठाद्या सर्वे ते ज्ञानिन समा कृष्ण राज करते हुए राम राज्य करते हुए वशिष्ठ पुरोहिति करते हुए दत्तात्रेय स्वच्छंद विचरण करते हुए सुखदेव समाधि लगाते हुए सनकादि बालकों की तरह खेलते हुए ब्रह्मा सृष्टि करते हुए शिव संहार करते हुए और विष्णु सृष्टि का पालन करते हुए ये सब के सब ज्ञानी। इसलिए जहाँ दृश्य मिथ्या हो जाता है वहाँ ज्ञान की दृष्टि से कोई रहनी कोई भी रहनी हो वो समान ही होती है उसमें किसी प्रकार का मिथ्यात्व न मिथ्या होता है उसमें किसी प्रकार की रहनी का आग्रह नहीं है। आपके मन में आवे जग कीजिए करवाइए आपके मन में आवे भक्ति कीजिए करवाइए आपके मन आवे आवे जोत कीजिए करवाइए आपके मन में आवे तो बालकों की तरफ खेलिए। ज्ञानी करता नहीं है इसलिए उस पर वेद शास्त्र ईश्वर का भी कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए रहने की फिक्र मत कीजिए पहले आत्म साक्षात्कार ही हो जाने दीजिए वही बिल्कुल ठीक ठीक होना चाहिए। रहने की जो फिक्र है वो न ज्ञानी को होती है नारायण यहाँ तक कि जिज्ञासु को भी नहीं होती है। जिज्ञासु रपि योगस्य शब्द ब्रह्मादि वर्तते यदि आपको आत्मज्ञान के मार्ग में चलना है तो शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण करना ही पड़ेगा नारायण। इसलिए रहने की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए फिक्र ये कीजिए कि जो आप
अविद्या लग गई है अपने साथ, ये किसी प्रकार मिट जाए महाराज, और ये अद्वैत ज्ञान के बिना नहीं मिट सकते है। तो एक प्रश्न एक सत्संगी बहन का है, पूछती है कि महाराज श्री स्वाध्याय में मेरी अत्यधिक रुचि है, होता यह है कि कभी कभी पुस्तक सामने रहती है और कई पृष्ठ पढ़ जाती हूँ और फिर पता लगता है कि कुछ ग्रहण नहीं हुआ क्योंकि मन अनजान में कहीं और चला गया, कृपया कोई युक्ति बताए जिससे ऐसा न हो। जी हमने भी ये प्रश्न एक बार किसी महात्मा से किया, ऐसा होता ही है जैसा आपको होता है वैसा हमको भी होता था, कभी कभी तो इतना तन्मय हो गया कि प्रेमचंद की कहानी पढ़ते रोने लग गए, और कभी ऐसा हुआ कि पूरी पुस्तक पढ़ गए और समझ में नहीं आया क्या है। तो मैंने एक महात्मा से इसके बारे में पूछा था, उन्होंने हमको ये बताया कि देखो एक साधु है वो भिक्षा करने के लिए गांव में जाता है, पांच घर सात घर, कोई कोई कहता है कि जब तक खाने भर की रोटी न मिल जाए तब तक मांग लेना चाहिए, मांगना बुरा नहीं है केवल पेट के लिए, क्योंकि उसमें तपस्या जो लोग अपमान करते हैं कि तू मंगता क्यों, भिखारी है मुश्किला है, उस अपमान से तप होता है, जो दोपहर के समय गर्मी में जलती हुई धूप में चलना पड़ता है उससे तपस्या होती है, तो भिक्षु तो जरूर होना चाहिए। अब रही बात ये कि किसी घर में मिलती है रोटी और किसी घर में नहीं मिलती है, तो नारायण एक बार किसी के घर के सामने से नारायण हरी करते हुए निकल के रोटी नहीं मिली, अब फिर तीसरी बार भी और उस घर के सामने से निकलो, तीसरी बार उस घर के सामने से निकलो कभी न कभी रोटी मिल जाएगी। तो ये जो स्वाध्याय है इसलिए है हमारे रोटी देने वाले अन्नदाता और नारायण हम हैं भिक्षुक, एक बार दो बार तीन बार चार बार जब तक नारायण रोटी न मिले हम तो बस लेके ही छोड़ेंगे। नारायण ये भी एक श्रद्धालु बनाने की प्रक्रिया है, ग्रंथ आपके प्रति दया से करुणा से द्रवित हो जाएगा, वो ग्रंथावच्छिन्न चैतन्य जो है नारायण वो ग्रंथ को करुणा सागर बना देगा और वो ग्रंथ स्वयं ही आपको अपना अर्थ की भिक्षा दान करेगा, इसलिए आप निराश न हो उदास न हो। और यदि स्वाध्याय में रुचि रहते हुए भी मन इधर उधर चला जाता है, ग्रंथ के अर्थ का ग्रहण नहीं होता है, तो आप उसको दोबारा जब तक उसके अर्थ का साक्षात्कार न हो जाए तब तक उसका स्वाध्याय करते रहिए, क्योंकि आप स्वाध्याय की प्रेमी हैं।